दिल्ली के राउल्स एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दो विधायकों को दंगा और पुलिसकर्मियों पर हमले से जुड़े सात सात पुराने मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी, संजीव झा और 15 अन्य लोगों को दोषी करार दिया है। मामला 20 फरवरी 2015 का है, जब एक बेकाबू भीड़ ने बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। 7 सितंबर के अपने आदेश में कोर्ट ने कहा, पुलिस की तरफ से पेश किए गए सबूतों से साफ है, आम आदमी पार्टी के दोनों विधायक न केवल दंगाई भीड़ में शामिल थे, बल्कि उन्होंने नारेबाजी कर भीड़ को उकसाने का भी काम किया। इसके चलते भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी शुरू की। सजा को लेकर जिरह 21 सितंबर को होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े ये लोग हैं, विधायक हैं, और इनको इनके ऊपर सजा का आदेश सामने आया है और कोर्ट ने दोषी भी माना है। साफ तौर पर कहा कि ये उस दंगाई भीड़ में शामिल थे, इन्होंने लोगों को उकसाया भी है। दिल्ली के राउल्स एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह जुड़ रहे हैं और डिटेल हमें देंगे इस खबर पर। अरविंद, क्या डिटेल्स हैं और जो अगली जिरह है उसको किस रूप में देखा जाए? देखिए, 21 सितंबर को इस मामले में सजा पर जिरह होगी और कोर्ट ने आदेश में ये कहा है कि जो पुलिस की तरफ से जो सबूत रखे गए उनसे बात साफ है कि जो आम आदमी पार्टी के जो दो विधायक हैं अखिलेश त्रिपाठी और संजीव झा और इसके अलावा 15 लोग इस मामले में दोषी हैं, तो कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। और कोर्ट ने यहां तक कहा है कि इस मामले में जो सबूत रखे गए हैं उनसे साबित होता है कि अखिलेश त्रिपाठी और संजीव झा जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक थे, वो न केवल उस दंगाई भीड़ में शामिल थे जो कि पुलिसकर्मियों को निशाना बना रही थी, बल्कि खुद उन्होंने नारेबाजी की और लोगों को उकसाया, जिसकी वजह से लोगों ने वहां पर पुलिसकर्मियों पर पुलिस थाने के अंदर जो मौजूद थे उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। मामला फरवरी 2015 का है, जब बुराड़ी में एक दंगाई भीड़ ने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया पुलिस थाने के अंदर, और दरअसल पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया था और दंगाई भीड़ की का ये मांग थी पुलिस से कि उन दो लोगों को अपनी कस्टडी में लेने की इजाजत उनको दिया जाए, यानी भीड़ ये मांग कर रही थी पुलिस से कि इन दो लोगों को उनके हवाले कर दिया जाए। बहरहाल इस मामले लेकर के मामला चला और अब राउल्स एवेन्यू कोर्ट ने 7 सितंबर का जो आदेश है उसमें दोनों विधायकों समेत कुछ और लोगों को दोषी करार दिया है। 21 को सजा पर जिरह होगी, उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि इसने सजा इस मामले में मुकर्रर करनी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए।